السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين क्या हाल है आप सबके उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ख़ैरियत से होंगे दुआ है लसपाना ताला आप सबको अपनी हिफ्स मान में रखे आमीन हबारा दबाज दब्वी का आज का टॉपिक है हैबाज कसूफ़ यानी सूरज और चाँद गिरहन की नमाज रसूल ने फ़रबाया ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما ايتان من ايات الله فاذا رايتموها فقوموا فصلوا फसलु सूरज और चाँद किसी के बर्रे की वजह से गिरहन नहीं होते ये तो कुदरत लाई की दो निशानियां हैं जब इन्हें गिरहन होते देखो तो रबास के लिए खड़े हो जाओ दरअसल जबारे जहालियत में लोगों का ये अकीदा था कि सूरज या चाँद उसी वक्त गिरहन लगते हैं जब कोई अहम शख्सियत पैदा होती है या उसकी वफात हो जाती है या दुनिया में कोई अहम वाक़ रोनमा हो तब ये होता है कि सूरज या चांद ग्रहण लग जाता है नबी अकरम अलैहि वसल्लम ने इस बातिल अकीदे की नफ़ी फरमाई यहाँ यही कहा जा रहा है कि सूरज और चांद ग्रहण तब नहीं लगता जब कोई मर जाए ये तो अल्लाह की कुदरत की दो निशानियाँ हैं इनको ग्रहण लगना अल्लाह ताला एहसास दिला रहे होते हैं कि क्यों दुनिया में खो गए हो आख़रत की तैयारी क्यों नहीं कर रहे क्यों गाफ़िल हो गए हो अपने अंजाम से क्या भूल गए हो मौत को मत के दिन को जब अल्लाह ताला इस दुनिया में सूरज और चांद को बेनूर कर सकता है तो फिर ये कैसे मुमकिन नहीं है कि क्यामत के दिन अल्लाह इनको लपेट दे सूरज चांद को बेनूर कर दे लिहाजा ये एक झलक होती है क्यामत की करना क्या चाहिए मसरून अमल क्या है वही बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वम ने फरमाया जब सूरज या चांद को ग्रहण लगे तो डबास के लिए खड़े हो जाओ आज हम देखेंगे ये नमाज़ कैसे पढ़नी है क्या तरीका है कहाँ पढ़नी है घर में पढ़नी है या बाजमात पढ़नी है क्या हम औरतें भी पढ़ सकते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रबाया चाँद और सूरज का ग्रहण आसार क़ुदरत हैं यानी अल्लाह की क़ुदरत अल्लाह की शान अल्लाह की किब्रयाई अल्लाह की बड़ाई के ये आसार हैं अल्लाह की निशानियाँ हैं ये किसी के मरने जीने या किसी और वजह से नमोदार नहीं होते बल्कि अल्लाह अपने बंदों को इबरत दिलाने के लिए जाहिर करता है कि अपने अंजाम को नहीं भूलो क्या मत को ना भूलो अगर तुम ऐसे आसार देखो तो जल्द अज़ जल्द याद लाई दुआ और इस्तफ़ार की तरफ रुजू करो यहाँ यही बताया जा रहा है कि जब सूरज या चाँद गहरान हो तो पहला काम क्या करो अल्लाह को याद करो अल्लाह की कुदरत को मानो अल्लाह से अल्तजाएँ करो दुआएँ करो इस्तफार करो अल्लाह की तरफ लौटो पलटो और दबास के लिए खड़े हो जाओ सूर्य यूनस में है वही है अल्लाह जिसने सूरज को चबक वाला बनाया और चाँद को नूर और इसकी मंजिलें मुकर की ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब मालूम कर सको ज़ाहिर है सूरज और चाँद जो हैं इनसे हमें रोशनी मिलती है सारी कायनात का निज़ाम इससे चल रहा है सूरज और चाँद ना होते तो इस ज़मीन पर कोई भी जिंदा ना रह सकता बहुत बड़ा मकसद है ये नबात इसी की वजह से उगते हैं फिर यहाँ एक और मकसद भी बताया जा रहा है ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब रख सको इसी तरह सूरत हामीम सजदा में है दिन और रात और सूरज और चाँद भी अल्लाह की निशानियों में से हैं तुम सूरज को सजदा ना करो ना चांद को सजदा करो बल्कि अल्लाह को सजदा करो क्योंकि अल्लाह ही ने तो इनको पैदा किया है अगर तुम वाकई उसकी इबादत करते हो तो सिर्फ़ उसी को सजदा करो नबाज़ कसूफ़ जो है ये सुनत मौकदा है सैदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अनहुमा से रिवायत है कि जब सूरज ग्रहण हुआ तो आप अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को ये ऐलान करने का हुक्म फ़रमाया इन न जाम यात्रा तो बे जबा करने वाली है यानी नमाज़ के लिए जमा हो जाओ आइए देखते हैं सूरज और चांद ग्रहण की नबास का तरीका क्या है सैदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लामा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, के ज़बान बे सूरज ग्रहण लगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजबात दो रकत नमाज़ पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरा तिलावत करने की मकदार के क़रीब लंबा क़याम किया यानी क़याम इतना लंबा था जितनी देर में सोतुल्बरा पड़ी जाती है क़याम के बाद लंबा रुकू किया फिर सर उठाकर पहले क़याम से लंबा क़याम किया यहाँ यही बताया जा रहा है कि रुकू के बाद कौमा करने की बजाय दोबारा किरात शुरू कर दी यानी एक ही रकत का तसलसल रहा इस मौके पर नए सिरे से सुरतुल्फ़ात नहीं पड़ी जाएगी फिर पहले रुकू से कम लंबा रुकू किया फिर कौमा करके दो सर्दे किए फिर खड़े होकर पिछले क़याम से कम लंबा क़याम किया फिर पिछले रुकू से कम लंबा रुकू किया फिर पिछले क्याम से कम लंबा क़्याम किया फिर पिछले रुकू से कम लंबा रुकू किया फिर दो सर्दे किए और तशहुत पढ़कर सलाम फेरा इतनी देर में सूरज रोशन हो चुका था यानी दो रकात इतनी लंबी पड़ी कि जो सूरज ग्रहण था वो ख़त्म हो चुका था फिर खुतबा दिया जिस अल्लाह की तारीफ़ और सना की और फरबाया सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से दो तो निशानियां हैं किसी के मरने या पैदा होने से इन्हें ग्रहण नहीं लगता जब तुम ग्रहण देखो तो अल्लाह का ज़िक्र करो उससे दुआ करो तकबीर कहो नबास पढ़ो और सदका करो फिर फरमाया तो रान नमाज़ पहले जन्नत देखी यानी आप सल सल्लल्लाहु अलैहि जब नमाज कसूफ़ पढ़ रहे थे तो अल्लाह सुबहाना ताला ने उन्हें जन्नत दिखाई फरमाते हैं अगर मैं इस से एक अंगूर का होशा ले लेता तो तुम रहती दुनिया तक उस पे से खाते यानी वो ख़त्म ना होता इतना बड़ा अंगूर का होशा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हाथ बढ़ा कर उसे ले लेते तो क्या तक सब लोग खाते रहते और वो ख़त्म ना होता फिर फरमाते हैं और मैंने दो भी देखी इससे बढ़कर हौलनाक मंज़र मैंने कभी नहीं देखा और मैंने जहनु में ज़्यादा तादाद औरतों की देखी क्योंकि वो शौहरों की नाशुरी करती हैं अगर तू एक मुद्दत तक इनके साथ नेकी करता रहे फिर उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम करे तो कहती हैं कि मैंने तुझसे कभी कोई भलाई नहीं देखी यहाँ यही बताया जा रहा है कि जहन्नुम में ज़्यादातर औरतें होंगी बहुत ही हालनाक मंज़र होगा और ज़्यादा तादाद औरतों की इसलिए होगी क्योंकि वो अपने शौहरों की नाश्री करती हैं शौहर अरसा दराज तक उसके साथ नेकियां करता रहे फिर कोई एक काम उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर दे तो औरत कहती है मैंने तो कोई भलाई देखी नहीं आज तक यानी गिले शिकवे करती है अल्लाह सन् हमें तौफीक दे हम अल्लाह के भी शुक्रगुज़ार बंदे बने और अपने शौहरों के भी हम शुक्रगुजार बने सूरज और चांद के गहनाए जाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो घबरा उठे और जब भी चांद ग्रहण होता तो वो नमाज पढ़ते हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक दफ़ा सूरज ग्रहण लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए और घबराहट में अहल ख़ाना में से किसी का कुर्ता ले लिया बाद में चादर मुबारक आपको पहुंचाई गई हज़रत आसमा रज़ी भी मस्जिद में गईं और औरतों की सफ़ में खड़ी हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि ने इतना तवील क़्याम किया कि इनकी नियत बैठने की हो गई हज़रत आसमां रज़ी की लेकिन इन्होंने इधर उधर अपने से कमज़ोर औरतों को खड़े देखा तो वो भी खड़ी रही यहाँ हमारे लिए भी सबक है कि हम दुनिया में तो नीचे वालों को देखें यानी अपने से ऊपर वालों को ना देखें वरना क्या होगा हसरत उनके पास ये है तो हमारे पास नहीं नीचे वालों को देखेंगे तो शुक्रगुजारी आएगी आज बात हुई ना हमें शहरों का भी शुक्रगुजार बनना है इसी तरह हमें नीचे वालों को देखना है ताकि अल्लाह की शुक्रगुज़ारी भी हमारे अंदर आए और नेकियों में हमने अपने से ऊपर वालों को देखना है ताकि हमें भी शौक़ हो कि हम भी उन जैसे नेक काम करें सैदना जाबिर रज़ी अल्लाह कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सख्त गर्मी के दिन सूरज गिरहन लगा आप ने सहा कराम रजी अन्हुम को साथ लेकर नमाज़ पढ़ी आप ने इतना तवील क़्याम किया कि लोग गिरने लगे हज़रत अस्मा रज़ी अल्न्हा कहती हैं कि एक दफ़ा सूरज ग्रहण की लबास पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा क़याम किया कि मुझे औरतों की सफ़ में खड़े खड़े फ आ गया यानी कमज़ोरी हो गई मैंने बराबर में अपनी मशक़ से पानी लेकर सर पर डालना शुरू किया फिर जल्दी दोबारा क़याम नमाज में शामिल हो गई यहाँ आपने ग़ौर फरमाया होगा कि नबी अकरम अलैहि वसल्लम सूरज ग्रहण की डबास का कितना अहतमाम करते थे हमारे लिए यहाँ पे यही सबक है कि हमें औरतों को भी सूरज ग्रहण की डबास जो है वो बसित पे बाजबात पढ़नी चाहिए इसका अहतमाम करना चाहिए और जब भी सूरज ग्रहण हो चांद ग्रहण हो तो हमें भी अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की किब्रियाई अल्लाह की बड़ाई अल्लाह की शान जो है उसको याद करना चाहिए हमें क़यामत को याद करना चाहिए हमें तोबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए हमें तबाश पढ़नी चाहिए और अगर मस्जिद में औरतों का इंतज़ाम ना हो तो हम इनफरादी तौर पर भी दो रकात पढ़ सकते हैं बस करना ये है कि क्याम लंबे-लंबे करने हैं रुकू लंबे-लंबे करने हैं सरते लंबे-लंबे करने हैं गड़गड़ा के अल्लाह से दुआएं करनी है तोबा इस करनी है डबा कुसूफ कसूफ़ का वक्त ग्रहण लगने से शुरू होता है और इसके ख़त्म होने तक रहता है यानी जब सूरज ग्रहण ख़त्म हो गया तो नमाज़ का वक्त भी ख़त्म हो गया क्योंकि रसोल्ला सल्ला वम का फ़रमान है जब तुम ऐसा होते हुए देखो तो उस वक्त तक नमाज पढ़ो और अल्लाह ताला से दुआ करो जब तक कि गिरहन ख़त्म ना हो जाए गिरहन ख़त्म हो जाने के बाद तबाज कसूफ़ की कज़ा नहीं है क्योंकि अब इसका मौका ख़त्म हो चुका है ना? इसी तरह अगर ग्रहण ख़त्म हो जाने के बाद इसका इल्म हो तो नबाज कसूफ़ ना पड़ी जाए अगर गिरहन ख़त्म होने से पहले ही नमाज मुकमल हो जाए तो दोबारा नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती बल्कि क्या करना चाहिए जिकर असकार तकबीरात, दुआएं करनी चाहिए सदका करना चाहिए अल्लाह से गिड़गड़ा कर मफ़रत की दुआएं करनी चाहिए शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रही फरबाते हैं कसूफ़ का दौरानिया कभी लंबा होता है और कभी छोटा क्योंकि कभी सारा हिस्सा ग्रहण ज़दा हो जाता है और कभी आधा और कभी एक तिहाई हिस्सा जब ज़्यादा हिस्से को ग्रहण लगे तब पहली रकत पे सोटुल बकरा या इस जैसी लंबी सूरत की किरात करनी चाहिए फिर एक रुकू के बाद पहली सूरत से कम लंबी सूरत की किरात करनी चाहिए इस पर हमारी पहले बात हो चुकी है अल्लाह अल्ला हमें बेहतरीन अमल की तोफ़ी फरमाए अपना बहुत ख्याल रखिएगा सुबह नबी हमदी का न शूल अंत न स्त फिर का व न तोबोलेक्क वामक वरहतल वबरकू